आज हम बात करते हैं थोड़ा सा हटके कि भाई मसला कश्मीर को प्रैक्टिकली हल कैसे किया जाए। अच्छा जी देखिए, बीइंग मुस्लिम वैसे भी हम ये जो है ना पढ़ते आए हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा और हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट जो इतना खर्च हो रहा है हमारा मसला कश्मीर की वजह से, वो मसला कश्मीर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा डिस्प्यूट ही कुछ नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है, और उसमें डिटेल में तो जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर डे क्यों मनाया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मसला कश्मीर क्यों इशू है। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा हटके कि भाई मसला कश्मीर को प्रैक्टिकली हल कैसे किया जाए। अच्छा जी देखिए, बीइंग मुस्लिम वैसे भी हम ये जो है ना पढ़ते आए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले या इस्लाम से पहले क्या दौर था, जहालत का दौर ये था कि अगर किसी एक मसले के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नस्ल दर नस्ल चला करता था और जो है ना उसका कोई हल नहीं निकलता था, लोग आपस में उसके ऊपर कत्ल होते थे। तो अगर हम उसको रिलेट करें अपने मसले के साथ, मसले कश्मीर के साथ, तो आज भी तो वही मसला है कि नस्ल दर नस्ल जो है ना ये मसला चला आ रहा है। पिछले 75 साल से ये हम दो मुल्कों के दरमियान मसला बना हुआ है और इसके ऊपर कितनी जंगें भी हो चुकी हैं और हम एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते हैं सिर्फ इस मसले की वजह से। तो क्यों ना इस मसले को ही हल कर लिया जाए। और मसले को हल करने का देखें बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ हमने ना अपनी गैरत का मसला बनाया होता है, लेकिन इन एक्चुअल वो प्रैक्टिकली अगर उनको प्रैक्टिकल होके सोचें तो उसका जो है ना बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है और चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो मसला कश्मीर को हल करने का सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी ख़ास तौर पे रियलिस्टिक होके सोचना चाहिए कि जी देखें इसका और तो कोई हल निकलना नहीं है, ना पाकिस्तान ने अपने स्टैंड से पीछे हटना है कि ये हमारा इलाका है और जो है ना ये हमारे हाथ से जाए, ना हिंदुस्तान ने प्रैक्टिकली ये कभी होने देना है कि हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर है वो उनके हाथ से जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो अभी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको हमें बैठ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जी ठीक है, ये इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं। जो इस वक्त कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का, और जो कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान का। ऑलरेडी 22 करोड़ मुसलमान भी तो रह रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, तो 1 करोड़ जो है ना उसके कश्मीर के होंगे तो कोई इशू की बात तो नहीं है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा और हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट जो इतना खर्च हो रहा है हमारा मसला कश्मीर की वजह से, वो मसला कश्मीर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा डिस्प्यूट ही कुछ नहीं रहेगा। और दूसरा, कश्मीर में रहने वालों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे टेरिटरी के अंदर कश्मीरी बेचारे हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने हिंदुस्तान के कश्मीर जा सकेंगे। देखिए मैं इस वक्त जो है ना मकबूजा कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये रिजॉल्व हो जाए मसला, तो इसलिए जो इंडियन टेरिटरी के कश्मीर है वहाँ के लोग हमारे इलाके में आके जो है ना अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ये इसी तरह होना चाहिए जैसे करतारपुर बॉर्डर के ऊपर आमदोरफ़ कितनी आसान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आमदोरफ़ कितनी आसान है, इसी तरह इसको जो है ना हमें करना चाहिए कि बॉर्डर खोलने चाहिए ताकि बेचारे कश्मीरी जो है ना वो आपस में उनकी जो है ना एजुकेशन हासिल करने के लिए एक दूसरे के एरियाज में जा सकें, एक दूसरे से मिल सकें, और सबसे बड़ा हमारा तो मसला ही हल हो जाएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, फिर हम आगे जो है ना इसको बॉर्डर फ्री करने की तरफ भी जा सकते हैं। तो आई डोंट नो कि आप इस मसले को किस तरह लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आई डोंट नो कि आपको मेरी पता नहीं वीडियो समझ में आई है कि नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आई है और प्रैक्टिकल लगी है तो प्लीज़ आप ये लोगों से शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट ईयर हमें जो है वो कश्मीर डे ना मनाना पड़े बल्कि इसको हमें फ्रेंडशिप डे मनाना पड़े। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।